ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ। यार आपने देखा है जिस प्रकार के देश के अंदर हालात हो गए हैं, महंगाई हर व्यक्ति को प्रभावित किया है महंगाई ने, और हालात ऐसे हो गए हैं, अगर मैं आपको आंकड़े बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आम जनता का जो जीवन है वो कैसे उनका चूल्हा चलेगा, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और कभी कभी मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान श्रीलंका की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी ऊंची आवाज़ से बात तो करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि उनके शब्द ऊंचे होने चाहिए, ना कि आवाज़ ऊंची होनी चाहिए। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2014 और 2022 के जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और अभी गैस सिलेंडर अगर 10 रुपए भी बढ़ता था तो श्रीमती स्मृति ईरानी और बहुत से लोग अपने गलों में प्याज की मालाएँ लेकर सड़कों पर आ जाते थे। और किसी ने मेरे को आज ये प्राइजेस भेजे हैं, 2014 में 71.41 हमारा पेट्रोल की कीमत हुआ करती थी, यानी कि 71 रुपये, आज 97 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है। डीजल 55 रुपये हुआ करता था, आज 90 रुपये डीजल है। एलपीजी सिलेंडर 410 रुपये हुआ करता था, आज 1053 रुपये है। और एलपीजी सब्सिडी हमारे समय में जो सब्सिडी दिया करते थे गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, वो 46,000 करोड़ रुपए था, और अब 242 करोड़ का सब्सिडी मिलता है। सरसों का तेल 90 रुपए, आज 190 रुपए। चीनी अगर भाव बात करें तो 30 रुपए और आज 50 रुपए। डॉलर का रेट 49 रुपीस और आज 80 रुपए। सोयाबीन 77 रुपए, आज 170 रुपए। मूंग दाल 82 रुपए, आज 120 रुपए। चाय 160 रुपए, आज 282 रुपए। और जिस प्रकार के हालात कर दिए गए हैं, कैसे चूल्हा जलेगा? सिलेंडर तो मोदी जी ने घर घर में दे दिया, लेकिन उसको चलाएगा कौन, उसको भरवाएगा कौन, गैस कहाँ से आएगी? और 5 रुपए जीएसटी लगा दिया गया, किन चीज़ों पे? राइस पे, पनीर पे, वीट पे, चीनी पे, गुड़ पे, गुरुद्वारे की सराओं पे, हॉस्पिटल के कमरे की, ओट्स पे। तो मैं कहने 70 साल बाद पहली बार इस प्रकार का टैक्स किसी खाने की चीज़ों पर लगा, ये नहीं होना चाहिए था। और महंगाई चरण सीमा पर है, आज पूरे देश में हमने प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, लोगों की लड़ाई है, और लोगों की लड़ाई लड़ना ये हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है। आज उन्हीं की लड़ाई लड़नी। बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, लेकिन राजभवन तक जाने नहीं दिया जाता, पानी चला दिया जाता है। अब देखिए, राजभवन तक कोई जाने दे या ना दे, लेकिन हम यहाँ से मार्च करेंगे राजभवन की तरफ। हमने मेमोरेंडम देना चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम राज्यपाल जी को मेमोरेंडम सौंप के ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार तक ये हमारा मेमोरेंडम पहुँचाएं। आप कोई जाने नहीं देगा तो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज हमें जाना होगा, क्योंकि ये देश के हर व्यक्ति का मुद्दा, हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा। ब्रिंग साहब, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये करना है, ये बहाना है, बेसिकली जो ईडी की रेट चल रही है। भाई ईडी का इससे क्या मतलब है? जब ईडी की रेट चल रही थी तो हमने ईडी के नाम से हमने धरना लगाया, हमने सत्याग्रह किया कि एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जानबूझ के कांग्रेस की आवाज दबाना चाहते हैं। ईडी चाहती है, मोदी चाहता है कि राहुल गांधी की आवाज को दबा पाए। राहुल गांधी जी ने कल स्पष्ट कह दिया है कि मेरे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, अगर हिम्मत है तो जेल डाल भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी का पोता है जो बहुत बरस पहले 1977 में जेल जा चुकी है, तो वो जेल से घबराती नहीं है, जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ईडी का इससे कोई संबंध नहीं है, ये महंगाई का मुद्दा है। जब ईडी की लड़ाई होगी, हम ईडी के साथ भी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है।